लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर पहुंचे। कंपनी बाग में हुई एक सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि उनके पूर्वजों ने भारत को तोड़ने का काम किया है व देश का विभाजन करने का काम भी कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केवल अपने बेटे की चिंता है तो सोनिया गांधी को अपने बेटे राहुल गांधी की चिंता है। देश और प्रदेश के बेटों की चिंता नहीं है। अगर प्रदेश के युवाओं की चिंता होती तो SOG काम कर रही होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठी घोषणाएं करने का काम करती थी। कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे करने का काम किया है। भाजपा ने 3 महीने में प्रदेश में SIT का गठन किया और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत हमेशा अपने कार्यकाल में ERCP का जिक्र करते थे, लेकिन ERCP को लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। ERCP को हमेशा लटकाने व भटकाने का काम गहलोत सरकार ने किया है। राजस्थान में मध्य प्रदेश के बीच MOU हुआ। इस योजना से पीने व किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। अलवर राठ की धरती है। राठ के लोग जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए भूपेंद्र यादव को राठ के लोग 6 लाख वोटों से जीत दिलाएंगे। जो कमल का फूल लेकर के आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को हमारे बीच में भेजा है, पिछली बार आदरणीय बालक लाल जी 3 लाख से अधिक वोटों से जीत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। लंगर की वस्तुएं वहां से GST को हटाया, स्वर्ण मंदिर के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित किया, देश के रक्षा क्षेत्र के कई बड़े काम हुए। बालकनाथ जी, संजय शर्मा जी, जयराम जाटव जी, बलवीर छिल्लर जी, बल्कि हमारे बनाराम मीणा जी, भाई जय आहूजा जी, पार्टी के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उदय भाया जी, पूरी पार्टी के जिनके मैं नाम ले पाया नहीं ले पाया, सभी मेरे वरिष्ठ पार्टी के अलवर के नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आकर के यहां पर मुझे अपना समर्थन प्राप्त दिया। हरियाणा अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वयं यहां पर आए, और सबसे बड़ा अलवर के मेरे परिवारजन जिन्होंने मुझे अपना पूरी ताकत आज प्रदान करी है, आशीर्वाद देने। लगभग 20,000 के करीब हमारी माताएं बहनें अपने गांव से, खेतों से, इतने जो लावणी का उनका पीक का समय है, गीत गाती हुई अपने बसों में एक लोकतंत्र के त्योहार के नाते जिस प्रकार से उनको आशीर्वाद देने के लिए आई है, ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी को आज देश की जनता पूरी तरह से स्वीकार कर रही है। मैं निश्चित रूप से अलवर के, मेरे अलवर के इस प्यार से अभिभूत हूँ। मेरा 40 साल का जो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जो रिश्ता अलवर के साथ था, आज अलवर की जनता ने उस प्यार को उमड़ा के बताया है कि भूपेंद्र उनका है और उन्हीं के लिए। अलवर के विकास की क्या गारंटी? मैंने पहले कहा है कि हमारा लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक तरफ नीमराणा और भिवाड़ी जैसे इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक संस्थान है, एक्सपोर्ट सेंटर है, दूसरी तरफ उपजाऊ धरती है, एक तरफ डार्क जोन है और दूसरी तरफ हमारा सरिस्का का अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर सेंचुरी है वो है, एक तरफ बाबा भर्तृहरिनाथ की तपोस्थली है, दूसरी तरफ मेलों और रंगों का व्यवहार का त्योहार है, एक तरफ अलवर में मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय आए हैं, दूसरी तरफ स्किल ट्रेनिंग के लिए भी ज्यादा प्रोग्राम की आवश्यकता है। अलवर के समग्र विकास के जो सारे पहलू हैं, चाहे अलवर में लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी का विषय हो, उद्योगों का विषय हो, पानी का विषय हो, सब विषयों को पूरी तरीके से जो समाधान कर रहा है। अब वो तो पत्रकारों को ज्यादा थे, वो पत्रकारों को करेंगे, लेकिन अलवर की जनता का जो प्यार है, हमारी पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी, मेरे अलवर के जो बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, ये मेरे को मेरी आत्मा से अभिभूत कर दिया। आज मेरे अलवर ने उन सब लोगों को जवाब दे दिया कि भूपेंद्र उनका। अलवर के संकल्प, सेवा के संकल्प की बात कही मन से? मेरे मन से। 20 दिन और करीब 8 विधानसभा जो हम कवर करेंगे यार, और ऐसे में लगातार बहुत मुश्किल और आज भी मामला सामने, सारे विषयों को लेंगे। कल मैंने बात भी करी थी, कल एक प्रतिनिधि मंडल मैंने भिवाड़ी SP के पास भी भेजा था, और सब विषयों को हम प्रखरता करेंगे।